आज गाइस आज मैं जा रहा हूँ कॉलेज से जाजरा, क्योंकि आज जो होने वाला है वहाँ पे साइंस का एग्जीबिशन होने वाला है, तो मैं कॉलेज की तरफ से जा रहा हूँ। बस मैं हूँ, बस से ट्रैवल कर रहा हूँ। कॉलेज से स्टूडेंट है वो मेरे पीछे है। मैंने सोचा ना एक ब्लॉग बना दिया जाए आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ब्लॉग। आप भी देखोगे तो आप भी सोचोगे वाह मज़ा आ गया। तो आप बने रहिएगा गाइस मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। मैं आपको पूरी जानकारी बताऊँगा जो आज जो मज़े होने वाले हैं वो अलग लेवल का है। स्टूडेंट है वो पीछे है मेरे, आपको दिख रहा होगा, शीशे से दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है आगे, आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा है। बस में एसी ऑन कर रखी है। कुछ समय के लिए जो हमारी बस है वो रुकी है, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे जो बस है येलो कलर की बस, यही बस है, इसी से हम ट्रैवल कर रहे हैं गाइस। तो अभी ये बस जो है बल्लूपुर रुकी है, स्टूडेंट आने वाले हैं उनका वेट कर रही है। ये गाइस आईएमए, ये गाइस सचिन, और ये गाइस आईएमए, आईएमए सपनों का शहर। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं जहाँ पे साइंस वेबिनार होने वाला है। ये देखिए जो झंडा आपको दिख रहा है। दिस स्पीकर टू यू डॉक्टर प्रोफेसर जोनाथन मार्केटिंग लैंग्वेज एलीट लैंग्वेज मेसोपोटामियंस वर यूजिंग राइटिंग इन अ डिफरेंट वे। दे वर यूजिंग राइटिंग टू हेल्प कम्युनिकेट टू पीपल द पावर ऑफ द स्टेट। हड़प्पन्स डिड नॉट नीड टू कम्युनिकेट, they had another ways of showing power, and this was done economically and ideologically. So Harappans never had to justify what they did, they were using writing in a very different way. So I don't think they ever wanted to have a bilingual text. In Mesopotamia we would not know how to read Mesopotamian writing except for the fact that cuneiform, this wedge-shaped writing. अभी हमने जो प्रोफेसर सर है उनका लेक्चर सुन के बाहर आए, तो अभी यहाँ पे लंच टाइम हो रहा है। लंच टाइम शायद काफ़ी लंबा चलेगा, अब देखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये गाइस यहाँ पे म्यूजियम की फोटोज है, आप दिख रही है आपको जो म्यूजियम की फोटोज है। तो गाइस आप देख रहे हैं ये गांधी जी की प्रतिमा है, आपको दिख रहा होगा जो लिखा है। ये जो बाहर का एरिया है जहाँ पे आया हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा हरे काफ़ी पेड़ पौधे हैं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी, उनकी ड्राइंग वी कैन से ड्राइंग। तो गाइज अब हम म्यूज़ियम की ओर जा रहे हैं, अंदर को आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई गई हैं यहाँ पे। अब ये जो गेट दिख रहा है यही म्यूजियम का अंदर का गेट है। तो गाइस ये अंदर से म्यूजियम है, आपको दिख रहा होगा। कंप्लीट ह्यूमन रिसर्च पे है ये, आपको दिख रहा होगा। Thank you.
तो यही हमारे भ्रातराशी सिटी स्कैन कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड सिटी स्कैन। पूरा तो जाते है बट ये सिटी स्कैन ही है ऐसा। अच्छा, ये सिटी स्कैन ये होता है क्योंकि यहाँ पे ये है ना। क्या किया तूने? आपने थोड़ा बोलूंगा ये देखो नहीं पर यहाँ पे रिपोर्ट दिखाई गई। अच्छा ऐसे। आपको कम्प्लीटली दिख रहा होगा जो यहाँ पे बहुत ही तरीके से जो साइंस के जो एक्सपेरिमेंट है, जो डेमो है इन ह्यूमन बॉडीज़ के, जितने भी रिसर्च हो रखे हैं आपको दिख रहा होगा, रॉबर्ट यहाँ पे लगा है, ये नाभिकीय ऊर्जा सक्षम विद्युत वितरण। तो रियली बताऊं गाइस तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, जो यहाँ पे मुझे सीखने को मिल रहा है बहुत देख रहा हूँ मैं, आपको बता नहीं सकता। ये आपको मेरे पीछे कंप्लीट दिख रहा होगा रिसर्च हो रही है यहाँ पे, अंतरिक्ष जो भी हमारी सैटेलाइट्स बनती है आपको दिख रहा होगा ये कंप्लीट मेरे पीछे। रियली बताऊं तो मैंने आज बहुत कुछ सीखा यहाँ इस म्यूज़ियम में आके। बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा। ये है सैटेलाइट, ये लगाया ना इसमें नेटवर्क। मंगल मिशन, मंगल मिशन नमस्कार। और ये देखिए पत्थर बिछे हुए हैं, ये क्या है? ये कैलाश का लाया हूँ। हाँ जी, क्या Thank you.
गाइज अब हम हिमालयाज में एंटर कर रहे हैं, तो आपको मैं अंदर का जो म्यूज़ियम है उसको दिखाता हूँ हिमालयाज का। ये देखिएगा फर्स्ट ओरिजिन एंड ग्रोथ, यू कैन सी 10 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द हिमालयाज, यू कैन सी। आगे का म्यूजियम दिखाता हूँ, बहुत बड़ा है हिमालयाज का। एक्चुअली हम थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि ये तब तक के लिए बंद हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग सारी बंद की कर दी गई है। बिकॉज राइट नाउ लाइट इज़ ए क्लोज, तो आपको ढंग से दिखा नहीं पा रहा हूँ। ये म्यूजियम के अंदर का ही दृश्य है, दिखाना तो बहुत कुछ चाहता था मैं आपको, बट ये कि थोड़ा लेट हो गए हम कॉलेज के स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज ये सारे म्यूजियम्स को देख के, अभी म्यूजियम के अंदर ही हूँ। तो गाइस हम बस लास्ट था हमारा ये, इतने बाद हम जाने वाले हैं यहाँ से। मैं इसलिए आपको खुल के नहीं बता सकता क्योंकि अलाउ नहीं है अंदर, तो इस वजह से आपको थोड़ा धीमे ही सुर में ही बता पा रहा हूँ आपको। फाइनली गाइस अब हम यहाँ से निकल चुके हैं,